राजस्थान फिश फार्मिंग में आपका स्वागत है। और आज हम आपको अपने पॉन्ड के ऊपर दिखा रहे हैं कि जो एक्स्ट्रा मछलियां थी जिसके कारण कुछ तालाब के अंदर प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए कुछ पार्शियल हार्वेस्टिंग करवा रहे हैं। तो देखिए कैसे होती है पार्शियल हार्वेस्टिंग। ये 10 किलो मच्छी हैं, अब इनका काउंट किया जा रहा है। तो हमारे उसके अंदर 10 किलो झींगा के अंदर हमारे हुए थे 368 पीस। तो टोटल एग्रीगेट वेट कितना निकला, काउंट निकले 36.8। तो 37 में काउंट होगा। ये मछलियों को नेट के अंदर पकड़ने के लिए पहले तालाब के अंदर फीड डाल रहे हैं, जिससे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मछलियाँ आ जाएं, और उसके बाद इसके ऊपर नेट थ्रो करेंगे तो इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा झींगा को कैच कर सकें। ये उधर वाले डैया से फिलहाल मछलियाँ पकड़ ली गई हैं, वो उसे बाहर निकाल रहे हैं। अभी ये भाई ये देखो डैया को सेट कर रहा है पॉन्ड के अंदर फेंकने के लिए। ये एक डैया के अंदर कितनी निकाल लोगे आप, कितने माल निकाल दोगे दादा, कितना निकाल दोगे? 60 किलो। देखो भाई 60 किलो के लिए बोल रहे हैं, देखते हैं कितना निकलता है। करो थ्रो, करो कैसे कर रहे हो थ्रो, देखते हैं। ये देखो भाई क्या ट्रिक से थ्रो कर रहे हैं, अपने तो बस की बात है नहीं है। ये देखो उसके अंदर कितना माल निकाल रखा है, देखो दो आदमी खींच के निकाल रहे हैं। तो है ही 60-70 केजी एक डैया से तो माल निकल ही रहा है। ये देखो भाई ये थ्रो करेगा, कर थ्रो दादा, एक ला, ए, ये लो भाई। ये फेंक के ये जब तक नेट जमीन के अंदर बैठता है तब तक ये लगे हैं इसको खाली करने के अंदर। हाँ मनोज कुमार ठीक निकल रही है। ऊपर वाले पॉन्ड से भी हार्वेस्ट करवाया है कुछ, अभी ये इस पॉन्ड के अंदर से हार्वेस्ट करवा रहे हैं नेक्स्ट हार्वेस्टिंग। ये जो एरिएटर चल रहे हैं इस पॉन्ड से की जाएगी। कितना दिन का छुट्टी है? छुट्टी तो 20 दिन का है दादा। 20 दिन का? हाँ आधी पूरी हो गई। दस से भी कम बाकी हैं, उसके अंदर जर्नी भी शामिल ही है साथ में। खिच लो।
वो अपर लेवल भी पॉइंट पर आए हो, वो तो नहीं टाइम पास होई कर लाग रहे हो। हाँ बड़े यही काम का गुनिया। वो एक दिन आए थे, वो गाड़ी वालों के साथ ही आए थे डैया मारने वाले। वो मटेरियल ही 20-25 किलो से मैक्स हैं। पतले पतले छोटे लड़के थे और नेट नहीं था उनका बढ़िया। अरे वो ऐसे फेंकने की टैक्टिस भी नहीं थी आपकी तरह, वो दूसरे तरीके से फेंक रहे थे। हम लोग का हवा गड़बड़ा थे। उसका ठीक ठाक रेट मिल गया था। ये 25 केजी की क्रेट 24 समथिंग। हो गया 25 केजी। ये 25 केजी की ये क्रेट भरने के बाद ये इसको ब्लीचिंग करे हुए पानी के अंदर डुबोने डुबोते हैं, फिर उसके बाद ये यहाँ से बर्फ के अंदर पैक करते हैं। ये बर्फ के अंदर लगा दी, बर्फ लगा दी ऊपर। ये नेक्स्ट क्रेट ब्लीचिंग के पानी के अंदर डाल के बाहर निकाल दी। ये बर्फ में लगाने के लिए इस भाई को आगे पार्सल कर दी। दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे जो भी नया वीडियो हम बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।